गणपत महोत्सव के दौरान गंगा में मूर्ति विसर्जित करने पर हरिद्वार प्रशासन सख्त हो गया। प्रशासन ने मूर्ति विसर्जित करने के लिए स्थान निर्धारित किए हैं। अगर कोई निर्धारित स्थान से अलग किसी भी गंगा स्नान पर मूर्ति विसर्जित करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने जानकारी दी कि वीआईपी घाट के सामने गंगा घाट पर बैरागी कैंप क्षेत्र में और कनखल क्षेत्र के घाट पर मूर्ति विसर्जित किया जा सकता है। आपको बता दें, देश भर में गणपत महोत्सव शुरू हो गया। इस महोत्सव के दौरान लोग बड़ी संख्या में गणपत की मूर्ति गंगा में विसर्जित करते हैं। नदीम सलमानी, ब्यूरो चीफ, हरिद्वार। गणपति महोत्सव के लिए देखिए, एक तो हम लोगों ने, जैसे कि पूर्व में भी हम लोगों का डीडीसी की बैठक में भी ये प्लान है, निर्देश है डीएम साहब के, कि किसी भी घाटों पे हम लोग मूर्ति को विसर्जन नहीं करने देंगे। उसके जगह उसके लिए तीन जगहों का चिन्हीकरण किया हुआ है, तो उन तीन जगह पे हम लोग मूर्ति विसर्जन को करने की प्रॉपर व्यवस्था कर रहे हैं और उन्हीं जगह पे हम लोग पुलिस प्रशासन और नगर निगम मिलकर विसर्जन की प्रक्रिया को हम करवाएंगे। कौन कौन सी सर तीन जगह? एक तो वीआईपी घाट के सामने है, एक हमारे कनखल एरिया में है और एक बैरागी घाट।